पैर में रक्त के धक्कों के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि धक्का धमनी में है या नस में। धमनियां रक्त वाहिकाएं होती है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पैरों तक ले जाती है। नसें कम ऑक्सीजन के साथ रक्त को हृदय और फेफड़ों में वापस ऑक्सीजन संवर्धन के लिए लौटाती है। धमनियां में रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण उनका रंग चमकीला लाल होता है। उनके पास मोटी मांसपेशियों की दीवारें होती है क्योंकि उनमें रक्त उच्च दबाव में यात्रा करता है। हृदय प्रत्येक गठगन के साथ उनमें रक्त पंप करता है। सिराओं का रंग नीला होता है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जो ऑक्सीजन के संवर्धन के लिए हृदय और फेफड़ों में लौटती है। जब मांसपेशियां उनके ऊपर सिकुड़ती है तब उनमें रक्त चलता है, यानी जब हम चलते हैं या अपने अंगों को हिलाते हैं। जब धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो यह दर्द, पीलापन, पैर की ठंडक, संवेदना की हानि और गति की हानि, पक्षाघात पैदा करती है। यदि धमनी का अवरोध लंबे समय तक बना रहता है तो अंग काला हो जाएगा और कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी, जिसे गैंग्रीन कहा जाता है। यह तब होता है जब ब्लॉक अचानक होता है। धीरे धीरे बढ़ाने वाली रुकावट में सबसे पहले चलने पर पैरों में दर्द होता है, क्लॉडिकेशन। यह दर्द आराम से कम हो जाता है और चलने पर फिर से शुरू हो जाता है। जिस दूरी पर दर्द शुरू होता है वह रुकावट की गंभीरता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अधिक गंभीर रुकावटें थोड़ी देर चलने पर दर्द पैदा करती है। क्लॉडिकेशन दूरी वही दूरी है जिस पर दर्द के कारण चलना बंद करना पड़ता है। लंबे समय में क्लॉडिकेशन दूरी में सुधार हो सकता है जब पैर अपने स्वयं के संपार्श्विक रक्तवाहिकाएं या प्राकृतिक बाईपास विकसित करता है। इस प्रक्रिया को क्रमिक व्यायाम कार्यक्रम और दवाओं द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। नसों में धक्के तब बन सकते हैं जब कोई बड़ी बीमारी, ऑपरेशन या फ्रैक्चर के बाद बिस्तर पर पड़ा हो। आराम करते समय पैरों की सक्रिय या निष्क्रिय गतिविधियों से इसे कुछ हद तक रोका जा सकता है। दवाएं नसों में धक्का बनने से रोकने में भी मदद कर सकती है। सिरा में धक्कों के कारण पैरों से हृदय और फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए रक्त की वापसी बाधित होती है। नीले लाल रंग के साथ पैर सूजे हुए और दर्दनाक हो जाएंगे। नसों में धक्के फेफड़ों में जा सकते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उत्पन्न कर सकते हैं। यदि यह बड़े पैमाने पर हो तो संभावित रूप से घातक स्थिति है। धक्के पैरों की रक्तवाहिकाओं से पेट की रक्तवाहिकाओं के माध्यम से हृदय और फिर फेफड़ों में जाते हैं। फेफड़ों की रक्तवाहिकाओं की अवरुद्ध करने वाले धक्के सांस फूलने, रक्त ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट, रक्तचाप में गिरावट और कभी कभी सीने में दर्द पैदा करते हैं। इसके लिए आपातकालीन उपचार की आवश्यकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और इस वीडियो के नीचे अपनी बहुमूल्य टिप्पणी पोस्ट करें।